फिर लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इस सेपरेशन मेथड है जो डिफरेंट ब्रांचेस में यूज़ होता है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में, मॉलिकुलर बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में एक्सेट्रा। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर हम कोई भी कंपाउंड को, दो कंपाउंड को या अननोन कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसे मैं लास्ट वीडियो में टॉपिक में हमने पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में कि डिफरेंट डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती हैं। जैसे लास्ट हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था, इस बार हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं। ये भी सेपरेशन के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि क्रोमेटोग्राफी का ग्रीक वर्ड में होता है मतलब इसका क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर। ये किस पर बेस्ड होती है? कलर, कलर के सेपरेशन पर बेस्ड होती है। जैसे कि हम कुछ सब्सटेंस प्लांट्स में हम मिलते हैं तो हम उनको सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और एक मिक्सचर में या तो एक से दो मिक्सचर या कंपाउंड्स हैं जिनकी जिन जिनमें केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है लेकिन उसके केमि उसको डिफरेंट डिफ़िकल्ट होता है कि उसे सेपरेट कर सकें, तो इसलिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं इसे सेपरेट करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी के एब्जॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, दो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स जो हम पढ़ रहे हैं जिसमें से हम एब्जॉर्प्शन पर क्रोमेटोग्राफी में से थिन लेयर और कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और जो हम आज पढ़ेंगे वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। अब इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है इसका? TLC नॉर्मली क्या होती है कि एक ग्लास प्लेट पर या प्लास्टिक प्लेट पर एक थिन लेयर, किसकी? सिलिका जेल या सिलिका या एलुमिना की लेयर एक होती है जिसे हम कोटेड कर देते हैं एक प्लास्टिक प्लेट या ग्लास ग्लास स्लाइड्स पे, ठीक है, और उस पर उसे स्टेशनरी फेस में यूज़ कर देते हैं। जैसे कि हमने सिलिका एक ग्लास रॉड ली, उस ग्लास रॉड पर हमने सिलिका जेल को हमने उस पर थिन लेयर को कोट कर दिया। कोट करने के बाद जब वो ड्राई हो गया, सूख गया, उसके बाद हमने उसे यूज़ किया, यूज़ तो हम ये प्लेट्स बन जाती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, जैसे ये वाइट और ग्रीन, एक मैंने पिक्चर लगाई है जिसमें आपको वाइट और ग्रीन प्लेट्स दिख रही हैं, ये ग्लास प्लेट्स है, इस पर वाइट जो है वो पूरा सिलिका जेल लगा हुआ है जिसे हमने सिलिका जेल से हमने बनाई है। और यहाँ पर क्या होता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है कि ये स्टेशनरी फेज में हम जो भी कहते हैं यहाँ पर सैंपल लोड करते हैं वो किस फॉर्म में होता है? स्टेशनरी फेज में होता है। और जो हम सॉल्वेंट वगैरह जिस पर हमने कहते हैं जिसमें रन कराने वाले हैं इस प्लेट को या फिर इसको रिएक्शन को डन करने वाले हैं वो मोबाइल फेज होता है, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या सॉल्वेंट मिक्सचर। और वो हम क्या करते हैं कि हम कैपिलरी एक्शन की मदद से वो सॉल्वेंट जो होता है वो क्लाइम कर जाता है इस प्लेट के ऊपर, और उनको जो स्पॉट्स वगैरह भी लगा देते हैं। जैसे आपने को लास्ट उसमें टेक्निक में वही सेम टेक्निक है कि हमने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर पेंसिल से मार्क कर देते हैं और उस पर 3 मार्क लगा देते हैं जो हम अपना सैंपल लोड करते हैं, अननोन सैंपल जिसे हम रन कराना मतलब हम जिसे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या सेपरेट करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि कौन सा केमिकल या कौन सा कंपाउंड है जिसे हम इस पर TLC की मदद से, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसका जो कैपिलरी एक्शन की वजह से ये मूव करना शुरू कर देता है। कैपिलरी एक्शन एक्शन क्या है? इज द एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू फ्लो इन नैरो स्पेसेस विदाउट एन असिस्टेंस ऑफ और इवन इन द अपोजिशन टू एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी। ग्रेविटी या कोई एक्सटर्नल फोर्स की मदद नहीं होती है, ये सिर्फ कैपिलरी एक्शन जो आपने पढ़ रखा है, ये कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं उसकी मदद से, या कैपिलरी एक्शन की वजह से ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो सॉल्वेंट होता है या कोई भी कंपाउंड होता है या केमिकल्स होता है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है और हमारा जो सिलिका जेल है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। प्रिपेयर अ TLC प्लेट। अब TLC प्लेट क्या है? TLC प्लेट जो मैंने आपको बताया कि ग्लास प्लेट्स वगैरह होती हैं उनको हम क्या करते हैं कि सिलिका जेल बनाते हैं। सिलिका जेल बनाने के बाद हम उसे, या एलुमिना, ये जो होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट होते हैं जो केमिकल कंपाउंड को डिपेंड्स किस पे करते हैं? डाइपोल मोमेंट पे करते हैं, इसकी पोलैरिटी पे डिपेंड करते हैं। केमिकल कंपाउंड हैव हाई डाइपोल मोमेंट मींस हाई पोलैरिटी, केमिकल कंपाउंड हैव लो डाइपोल मोमेंट मींस लो पोलैरिटी। तो ये क्या होता है, ये इसमें OH बॉन्ड जो होते हैं
ग्रुप होते हैं वो स्ट्रांगली इंटरैक्ट हो जाते हैं अपोलर कंपाउंड्स के साथ। जो भी कहते हैं हम सेपरेशन करा रहे हैं कोई भी टेक्निक अपने कंपाउंड को, वो सिलिका या एलुमिना जो हमने लेयर बनाई है ग्लास प्लेट्स पे या ग्लास स्लाइड पे जिसपे हम अपना सैंपल लोड करने वाले हैं या हम जिसकी मदद से हम सेपरेशन को करने वाले हैं अपने कंपाउंड्स को, तो वो क्या करता है उसमें पोलैरिटी आ जाती है। पोलैरिटी की वजह से क्या होता है कि वो जो भी कंपाउंड्स है वो ईजिली इंटरैक्ट हो जाते हैं और मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या होता है लैब में हम क्या करते हैं लैब में क्या होता है, सबसे पहले टीएलसी प्लेट हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, टीएलसी प्लेट की। ये रेडीमेड भी आती हैं और हम इसे बना भी सकते हैं, प्रिपेयर भी कर सकते हैं लैब के अंदर। जैसे ग्लास स्लाइड्स पे हम ज़्यादातर प्रिपेयर करते हैं, या फिर हमारा टीएलसी चैम्बर होता है उस पर उसमें भी ग्लास रॉड्स ग्लास प्लेट्स होती हैं, वहाँ भी उस पे भी हम अपने थिन लेयर की मदद से सिलिका जो होती है सिलिका जेल उसको सिलिका को थिन कोटेड लेयर से हम उसे उस पर प्लेस कर देते हैं ग्लास रॉड ग्लास स्लाइड पर, और उसकी मदद से हम उसे प्लेट को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब ये टीएलसी प्लेट जो है वो साइज़ में डिफरेंट होता है, सिलिका जेल इसकी थिन लेयर को अप्लाई किया जाता है, सिलिका जेल जो है वो उसकी थिन लेयर के साथ इस पर अप्लाई किया जाता है कि बिल्कुल यूनिफॉर्म थिकनेस हो। अब बेस जो इसकी, फिर उसके बाद क्या होता है जब ये उसे ड्राई कर लेते हैं, ड्राई करने के बाद जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में कि हमने एक सिलिका जेल की प्लेट बना ली, उस पर हमने एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर ली। पेंसिल से लाइन ड्रॉ करने के बाद वही 1 सेंटीमीटर के आसपास बेस लेकर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद हमने स्पॉट लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं फिर प्लेट को चैम्बर में रख देते हैं। रखने से क्या होता है कि जो हमने ऑलरेडी हमने उसमें एक सॉल्वेंट फिल कर रखा है, जैसे कि सॉल्वेंट हम क्या क्या फिल कर सकते हैं उसमें कि मोबाइल फेस में जो यूज़ करते हैं सॉल्वेंट वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं तो हेक्सेन और इथाइल एसीटेट ये यूज़ करते हैं। इसके मिक्सचर होते हैं कि 80% हेक्सेन और 20% इथाइल एसीटेट का मिक्सचर लेने के बाद हम इसमें सॉल्वेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, या फिर 50 या 50 जैसे 1:1 या ऐसे कर हम प्रिपेयर कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा ये मोबाइल फेस होता है और हमारी प्लेट क्या है टीएलसी प्लेट क्या है वो स्टेशनरी फेस है, स्पेशली का जेल अप्लाई किया हुआ है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इसे 20 मिनट तक उस जार के अंदर रख देते हैं प्लेट को और उसे ऊपर से कवर कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वेपर्स जो होते हैं वो सॉल्वेंट के वो पूरी प्लेट पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो हमारा ग्लास चैम्बर जो हमने है हम जिसमें कहते हैं सेपरेशन कराने जा रहे हैं वो भी उसमें भी वेपर्स स्प्रेड हो जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि डेवलपिंग द प्लेट, जैसे अभी बताया कि आपको यहाँ पर 20 मिनट के लिए सेचुरेशन रख देते हैं बीकर को और वो क्या होता है वो पूरे में वेपर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसके बाद प्रिपेयरिंग द प्लेट फॉर एनालिसिस, अब एनालिसिस के लिए हम देखते हैं कि हमारी प्लेट पर सॉल्वेंट जो है वो जैसे आपने देखा सॉल्वेंट फ्रंट बीकर में एक प्लेट अंदर रखी है ग्लास प्लेट टीएलसी प्लेट और उस पर सैचुरेशन सॉल्वेंट जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और हमने वहाँ पर देखा कि हमारे सॉल्वेंट जो है वो ऊपर टॉप तक आ गया फ्रंट तक आ गया। अब वहाँ पर हमने एक मार्क कर लिया पेंसिल से अगेन कि हमारा बेस लाइन और एक फ्रंट लाइन, फिर उसके रिमूव कर लेते हैं प्लेट को और इमिडिएटली क्या करते हैं पेंसिल से उसे मार्क कर लेते हैं और उसे ड्राई करने के लिए रख देते हैं। नेक्स्ट क्या है विजुलाइजिंग द प्लेट, अब क्या करते हैं कि हम अब जो हमारा जो सैंपल है वो अगर उस पर रन हो रहा है या उस पर मूव कर गया तो हम अब उसे विजुलाइज कैसे कर सकते हैं कि हम कैसे उसे देख सकते हैं। क्या होता है कि हाँ एक चीज़ और कि जब कैपिलरी एक्शन की मदद से ये जो होता है जो डायरेक्शन होता है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और पोलैरिटी जो है वो बेसिस सैंपल के बेसिस पर वर्क करती है, जैसे डिफरेंस सैंपल होते हैं उनकी डिफरेंस पोलैरिटी होती है सैंपल के बेसिस पे हम उसे जज करते हैं कि कौन सी पोलैरिटी क्या होगी उसकी पोलैरिटी क्या होगी उस केमिकल की।
अब यहाँ विजुलाइजिंग द प्लेट, अब कैसे हम उसे विजुअल करेंगे, देखेंगे कैसे कि हमारा जो सैंपल है वो कितने, उसकी डॉट्स कितने हमें विजुलाइज हो रही हैं। तो हम यहाँ पर या तो उस डॉट को हम यूवी लाइट की मदद से हम देख सकते हैं उन स्पॉट्स को, या अगर और देख सकते हैं कि हमारी यूवी लाइट की मदद से हम उस पर कितनी कितनी डॉट्स हमारी आई हैं, कितने कितने उस पर सेंटीमीटर या कितने ट्रैवल हुई हैं डॉट्स। अब उसे हम अगर यूवी लाइट की मदद से हम उसे अपने स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसे हम फिर लाइट पेंसिल से मार्क कर लेते हैं। एक और विजुलाइजिंग द प्लेट मेथड का एक और मेथड है विजुलाइज करने का, देखने का, आयोडीन। आयोडीन क्या होता है कि ये भी क्या, जब हम उस पर स्प्रे कर देते हैं आयोडीन का सॉल्यूशन का, तो क्या होता है डार्क कलर की प्लेट हो जाती है, उससे क्या होता है डार्क ब्राउन कलर की, और उस पर भी हमारे कहते हैं जो स्पॉट्स हैं वो हमें विजुलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है आरएफ फैक्टर। आरएफ वैल्यू हमें कैसे हम मेज़र कर सकते हैं, तो अगर हम इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा एक सैंपल जो है वो 3.5 सेंटीमीटर ट्रैवल हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा पूरा टॉप जो है हमारी बेस से फ्रंट तक कितना है, 6.0 सेंटीमीटर है पूरा लेंथ। तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, कि द रिटेंशन फैक्टर आर एफ इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड ट्रैवल ऑन अ टीएलसी प्लेट। आर एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाई सब्सटेंस या सैम्पल अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल बाई सॉल्वेंट। अब क्या है कि जो हमारा सब्सटेंस था वो कितना डिस्टेंस कवर उसने किया है, 3.5 सेंटीमीटर, और जो हमारा सॉल्वेंट है उसने उसका ट्रेवल कितना हुआ है, डिस्टेंस 6.0 सेंटीमीटर। अब हमने इसे कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद हमारा 0.58 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। इसका मतलब ये हमारा आरएफ वैल्यू है। थैंक यू।